पबजी के दीवानों खुश हो जाओ, बहुत ही जल्दी इंडिया में पबजी वापस आने वाला है। सो भाई जितने भी लोग पबजी खेलते थे बहुत ज़्यादा दुखी थे पबजी बैन होने से। इंडिया में लगभग मंथली एक्टिव यूजर अगर पबजी का देखा जाए तो 40 मिलियन एक्टिव यूजर मंथली है। तो पबजी बैन होने के बाद सब लोग दुखी थे, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही जल्दी पबजी कमबैक कर सकता है। जी हाँ, पबजी इंडिया में वापस आ सकता है। कैसे, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बता दूँ। देखिए पबजी जो है वो एक्चुअली साउथ कोरियन के एक कंपनी ब्लू होल कंपनी ने बनाया था, बट पबजी पीसी था वो। बट पबजी मोबाइल जब डेवलप किया था उसे चाइना के एक कंपनी टेंसेंट के साथ मिल के बनाया गया था। जो पबजी का जो ब्लू होल कंपनी के बाद अब सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पबजी मोबाइल बनाने का, वो टेंसेंट के पास है। तो टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी था जिसके कारण इसे बैन किया गया था इंडिया से पबजी मोबाइल को, कि डेटा का इशू था, जो कि चाइनीज कंपनी टेंसेंट था। इसीलिए इसे मेनली बैन किया गया था। बाकी और भी बहुत सारे रीजन था, जैसे इन गेम के अंदर भी कुछ ऐसे चीज़ थे जिससे इंडियन का सिक्योरिटी का इशू था, बट मेनली जो मेन इसके टारगेट था टेंसेंट कंपनी, टेंसेंट जो एक चाइनीज कंपनी है इसीलिए बैन किया गया था। बट अभी पबजी ने कि इसे देखते हुए इंडिया के यूजर को खोना नहीं चाहता, तो इसे जो इंडिया का पबजी का जितना भी इंडियन ऑपरेशन है, इंडिया में जो भी पबजी अभी चलाए जाएंगे, तो उसके लिए टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप तोड़ दिया है। टेंसेंट के साथ पबजी जो पबजी का ओरिजिनल कंपनी ब्लू होल, उसने टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप तोड़ दिया पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन के लिए एंड पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल लाइट दोनों के लिए। एंड अब क्या कर रहा, अब नया पार्टनर खोज रहा है इंडिया में नया पार्टनर खोज रहा है। लाइक हो सकता है कि बहुत अंदर से खबर आ रही है कि जियो पार्टनरशिप ले सकता है, उसका स्टेक ले सकता है, बट ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है जियो लेगी या नहीं लेगी, बट ये पार्टनरशिप खोज रही है इंडिया में पार्टनरशिप खोज रही है। एंड इसके बाद इसका सारा डेटा इंडिया में स्टोर करने के सोच रही है। तो इससे क्या हो सकता है, इंडिया में इसका पबजी का डेटा रहेगा तो पबजी बैन होने जो बैन हो चुका है उससे बैन से हटाया जा सकता है। बाकी पबजी को 70 क्वेश्चन किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसे भी पबजी को आंसर देना पड़ेगा। जैसे टिकटॉक जब बैन हुआ था टिकटॉक को भी क्वेश्चन किया गया था, टिकटॉक और भी जितने सारे ऐप थे अभी भी जितने सारे ऐप है उनको भी बैन करते सब इतने 70 क्वेरीज था इंडियन गवर्नमेंट का, उसे पूछा गया। तो पबजी मोबाइल को वो सारे क्वेरीज क्लियर करने होंगे इंडियन गवर्नमेंट का, एंड टेंसेंट के साथ वो पार्टनरशिप तोड़ चुका है, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी इंडिया में पबजी अनबैन हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि पबजी अनबैन हो सकता है इंडिया में बहुत ही जल्दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।